देखिए, सबसे पहले तो चूड़ियों की बातें बंद कर देनी चाहिए, और जो भाषणों में मोदी जी ने कहा है ना, वो तो ये बताना चाहिए उनको कि वो परमात्मा स्वरूप हैं, क्योंकि परमात्मा ने उन्हें भेजा है। मगर जब उन्हें बधाई संदेश मिलता है पाकिस्तान से, कैसे उमड़ उमड़ के प्यार निकलता है उनका, और उसका जवाब देने के लिए ये तैयार बैठते, फिर कहते हैं बात नहीं कर रहे हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे। कौन सा जवाब दे रहे भाई? 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो इन्होंने कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, हो गया। उस वक्त जो जो बातें इन्होंने कही, वो बातें झूठी साबित हुई। और हम जो बातें आज कह रहे हैं, वो इसलिए भी कह रहे हैं कि पुलवामा की घटना के बाद सतपाल मलिक जी ने क्या कहा है, उस पर तो कोई जवाब नहीं है। 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया पुलवामा की घटना के लिए, वो नहीं बताया गया आज तक। और इंटेलिजेंस फेलियर बार बार होता है। और इस वक्त देखिए कि पीर पंजाल से, एक आखिरी बात कह रही हूं, पीर पंजाल का एरिया कहा जाता था कि वहां पे आतंकवाद होता है, वो पोरस बॉर्डर है, तो ठीक है, वहां पे रोकना चाहिए था, वो भी नहीं रोक पाए, वो गढ़ बन गया है आतंकवाद का। और दूसरी तरफ देखिए, रियासी जैसे शांति वाली जगह में अब इतने सारे आतंकवादी घटनाएं होने लग जाएंगी, कौन जिम्मेदार है अगर सरकार नहीं तो? चिंताजनक।